इसका सामने है सिटी पुलिस के तरफ से एक इलीगल मनी ट्रांसफर रैकेट, इसका डिटेक्शन हुआ और इसमें सीजर में 1,01,50,000 कैश का रिकवरी हुआ और 5 लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये पूरा अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट का है और अभी तक जो इसके रिस्पोंडेंट हैं इस पूरे रैकेट में, उसमें एम ईश्वर रेड्डी जो कि केपीएचपी कॉलोनी हैदराबाद का रहने वाला है, राजेश शर्मा गौलीगुड़ा हैदराबाद का रहने वाला है लेकिन ओरिजिनली मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है, तीसरा रामराज परमार जो कि ओरिजिनली मोरैना मध्य प्रदेश का है और अभी एसबीआई बैंक ने गौलीगुड़ा में रहता है, प्रकाश सिंह ओरिजिनल नेटिव ऑफ जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान और अभी यादव निवास अफजलगंज हैदराबाद में रहता है, और उसके बाद विशाल सावंत जो कि ओरिजिनल शोलापुर महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी अफजलगंज हैदराबाद में रहता है। ये पूरा ऑपरेशन सबसे पहले कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन के टीम को एक एम ईश्वर रेड्डी के इंटरसेप्शन पर पता चला, बालाजी स्वीट्स अशोक बाजार गौलीगुड़ा में, उसके पास से अनअकाउंटेड कैश 80 लाख रुपीज का रिकवरी हुआ जो कि वो एक ट्रेवलर्स बैग में कैरी कर रहा था और उसके इंट्रोगेशन से पता चला कि वो एक राजकुमार एमडी ऑफ डायनेमिक टूल्स, उससे उसका लिंक है और फिर राजेश कुमार, प्रकाश सिंह, गणपत और रामराज परमार गौलीगुड़ा का, ये सब का भी नाम सामने आया। उसके बाद आगे फर्दर ऑपरेशन में 21,50,000 रुपीज का सीजर हुआ और सब मिलाकर ये 1,50,000 का कैश सीजर हुआ। इस एंटायर ऑपरेशन में हमारे सिटी पुलिस के एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती और उनके साथ के श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, सब इंस्पेक्टर्स जी श्रीनिवास रेड्डी, सी वेंकटेश, गोविंद स्वामी और पूरे ईस्ट जोन टास्क फोर्स के ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको हमारे तरफ से हार्दिक कांग्रेचुलेशंस।